एलियंस होते हैं या नहीं, ये सवाल सालों से कौतूहल का विषय बना हुआ है। लेकिन अमेरिका में एक शख्स ने दावा किया है कि वो एलियंस से मिल चुका है। यही नहीं, उसका कहना है कि वो उनके साथ शारीरिक संबंध भी बना चुका है और उनसे सैकड़ों बच्चे भी पैदा कर चुका है। हर कोई इस शख्स के दावे पर हैरान है, यहाँ तक कि उसके दावों और बताई हुई बातों के आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। लव एंड सॉसर्स नाम की फिल्म में उसने एलियन से अपनी मुलाकात और रिश्तों के बारे में बताया है। न्यू जर्सी के होबोकेन में डेविड हगिंस रहते हैं। वो 74 साल के हैं और तलाकशुदा हैं। फिलहाल वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काउंटर वर्कर हैं। उन्होंने ही एलियंस के साथ अपने रिश्तों को लेकर कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पृथ्वी के बाहर रहने वाले जीव के साथ संबंध बनाए थे और अपनी वर्जिनिटी खोई थी। आगे दावा किया गया है कि उसी से उनके सैकड़ों बच्चे भी हुए थे। हगिंस ने बताया कि उनका 8 साल की उम्र में पहली बार पृथ्वी के बाहर रहने वाले जीव से सामना हुआ था। वो तब अपने घर वालों के साथ जॉर्जिया में खेत में रहते थे। दशकों तक कई तरह के जीव आते रहे और उनसे मिलते थे, जिनमें से एक मादा थी। उन्होंने तब उसका नाम क्रिसेंट रखा था। उनका दावा है कि उन्होंने 17 साल की उम्र में उससे जॉर्जिया वुड्स इलाके में संबंध बनाए थे। क्रिसेंट ने सैकड़ों बच्चों को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने कई मादाएं होने की संभावना भी जताई है। लव एंड सॉसर्स के जरिए डायरेक्टर ब्रैड अब्राहम ने हगिंस की कहानी बयां की है। उन्होंने इसमें दिखाया कि वो कैसे पृथ्वी के बाहर के जीवों से मिले थे। फिल्म के डायरेक्टर ब्रैड अब्राहम ने हगिंस को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। उन्होंने इसके लिए न केवल उनसे बात की, बल्कि उनके बेटे, बॉस और पड़ोसियों और अन्य लोगों से मामले के बारे में पूछताछ भी की। अब्राहम ने एक अंग्रेजी न्यूज साइट को बताया, मुझे लगता है हगिंस झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये सच हुआ तो ये वाकई में बड़ी वास्तविकता होगी। ये ऐसी चीज है जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता है। वहीं हगिंस कहते हैं, मैंने कभी भी किसी को अपनी बात का विश्वास करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं उसे कभी साबित नहीं कर सकता। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि फिल्म के डायलॉग लोगों को उत्साहित करेंगे और उनके दिमाग को खोलेंगे।